हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अमित तिवारी योर कंप्यूटर साइंस टीचर. स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. एंड एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स लाइक ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, एनकैप्सुलेशंस, डाटा हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस. एंड वी वुड ऑल्सो बी एबल टू अंडरस्टैंड द एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओवर अर्लियर प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजीज. Now let us start. So students, an object-oriented programming is a programming language model which is organized around objects rather than actions and data rather than logic. So पहले के programming methodologies में, जैसे कि पहले हम C language use करते थे. C language एक procedural language है, मैंने आपको पहले भी बताया है. तो इस procedural language में पहले हम objects की जगह actions को यूज़ करते थे और लॉजिक्स को यूज़ करते थे डेटा की जगह. लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम ऑब्जेक्ट्स और लॉजिक की जगह डेटा को यूज़ करते हैं. और पहले के जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थे, जैसे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो उसमें प्रोग्राम को एक लॉजिकल प्रोसीजर की तरह देखा जाता था और डेटा को इनपुट करके उसको प्रोसेस करके फिर आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता था. लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक ऑब्जेक्ट की तौर पे देखते हैं, न कि एक प्रोसीजर के तौर पे. तो अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है. एन ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग दैट वी नोटिस अराउंड अस. कोई भी ऑब्जेक्ट, एक्स वाई जी, आपके सामने, आपके इर्द गिर्द, आपके सराउंडिंग्स में, जैसे कि टेबल हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, चॉक हो गया, डस्टर हो गया, आपकी बुक हो गई, बैग हो गया, ये सब क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स हैं. तो इट कैन बी ए पर्सन डिस्क्राइब्ड बाय नेम, एड्रेस, डेट, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा, हिज टाइपिंग स्पीड, ए कप. इट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय साइज, कलर, प्राइस एक्सेट्रा. एक कार, इसको आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसके मॉडल के तौर पर, कलर के तौर पर, इंजन के तौर पर, माइलेज क्या देती है, स्पीड क्या है, ठीक है. तो इस तरीके के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे. इनफैक्ट इट कैन बी एन आइडेंटिफायर आइडेंटिटी. यानी कि ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक ऐसी एंटिटी होती है, एक ऐसी आइडेंटिटी होती है जिसको कि हम आइडेंटिफाई कर सकें. द होल आइडिया बिहाइंड एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल इज टू मेक प्रोग्रामिंग क्लोजर टू द रियल वर्ल्ड, देयर बाई मेकिंग इट अ वेरी नेचुरल वे ऑफ प्रोग्रामिंग. तो पूरा का पूरा आइडिया क्या है इसके पीछे, कि एक प्रोग्रामिंग को बिल्कुल एक नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, ताकि जो प्रोग्रामिंग जैसा टीडियस और कंबरसम जॉब जो है उसको भी हम आसान बना सकें. द कोर ऑफ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज टू कंबाइन इनटू अ सिंगल यूनिट बोथ डाटा एंड फंक्शन और मेथड्स दैट ऑपरेट ऑन दैट डाटा. जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो डेटा और फंक्शन को एक साथ देखता है और उनको एक सिंगल यूनिट की तरह कंबाइन करके चलता है. डेटा और फंक्शन का मतलब क्या है? जैसे मान लो कोई वेरिएबल्स हैं और उन वेरिएबल्स में क्या हम ऑपरेटर्स लगा रहे हैं, जैसे कि एक्स और वाई करके दो वेरिएबल हैं और एक्स और वाई को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो एडिशन जो है वो ऑपरेटर है. तो वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स को एक यूनिट के तौर पे देखा जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में. सिम्यूला वॉज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सिम्यूला ये पहला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था. इसके बाद जावा, फिर पाइथन, C++, विजुअल बेसिक्स, .NET, रूबी आर द मोस्ट पॉपुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टूडे.